अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हमारे किचन में बन रहा है शनवारी, मटन शनवारी बन रही है। बहुत ही इजी और बहुत ही मज़े की बनती है। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया था 600 ग्राम मटन लिया है, साथ में चार मटन को सबसे पहले बॉयल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 ग्लास पानी लिया है जिसमें मटन को बॉयल करेंगे। गोश्त को आप कुकर में भी बॉयल कर सकते हैं और यहाँ पे मैं इसे नॉर्मली बॉयल करूँगी। 20 से 25 मिनट लगेंगे। इसे ऑलमोस्ट 70% कुक करना है और बाकी जो है ये ग्रेवी में कुक हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ 4 लहसुन के जवे, साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून सॉल्ट, नमक ऐड किया है, 1/3 टीस्पून इसमें काले मिर्च ऐड कर देंगे और फिर इसको बॉयल कर लेंगे। मटन को बॉयल कर लेंगे 20 से 25 मिनट के लिए। अब पहले फ्लेम को हाई रखेंगे, देन जैसे बॉयल होना स्टार्ट हो जाए इसको कवर करके फ्लेम को लो कर देंगे और उसे चेक करते रहेंगे नाइफ़ की मदद से कि ये 70% कुक हो चुका है या नहीं हुआ। कुछ जगह का मीट जो है वो जल्दी कुक हो जाता है और कुछ जगह का नहीं होता, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसका टाइमिंग रखिएगा। गोश्त जो है 70% कुक हो चुका हुआ था। अब हम शनवारी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, उसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन अदरक को गोल्डन ब्राउन करेंगे और यहाँ पे बाद में इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरा ऐड करने के बाद इसमें हम गोश्त ऐड करेंगे। जो गोश्त ऑलरेडी बॉयल था, जिसको हमने बॉयल किया था, वो उसको ऐड करेंगे इसके अंदर। गोश्त को भून लेंगे थोड़ा सा लहसुन अदरक और ज़ीरा में। यहाँ मैंने पानी ऐड करने के बजाय इसमें यखनी ऐड कर दी थी ताकि जो मटन है वो नीचे भी ना लगे और उसका फ्लेवर भी अच्छा हो जाए यखनी की वजह से। गोश्त को 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे और फिर इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। 4 से 5 मिनट भूनने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून काले मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा सूखा धनिया का पाउडर। मसालों को मिक्स कर लेंगे और इसमें नमक भी ऐड करेंगे। मेक श्योर कीजिएगा जो फ्लेम है वो लो हो ताकि अदरवाइज़ ये जल सकता है। और अब हम दूसरी तरफ टमाटर काट लेते हैं। यहाँ पे मैंने 5 से 6 टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के। टमाटर के 4 पीसीस कर दूंगी और आप लोग इसको प्यूरे भी बना सकते हैं और चॉप भी कर सकते हैं। टमाटर को आप जिस तरह मर्ज़ी यूज़ करें, प्यूरे फॉर्म में या फिर चॉप्ड फॉर्म में, टेस्ट जो है वो सेम ही आएगा। बहुत से लोग टमाटर के बीज यूज़ नहीं करते हैं, मैं भी नहीं यूज़ करती हूँ। मैं बीज निकालने के बाद उसका पानी अलग से निकाल के वो यूज़ कर लेती हूँ और बीज को डिस्कार्ड कर देती हूँ। टमाटर कट चुके हैं, अब हम इसे ऐड करेंगे गोश्त में। अब हम मीडियम फ्लेम पे इसे कवर कर देंगे और ताकि इसकी जो स्किन है वो भी नरम हो जाए और बाद में हम इसकी स्किन को रिमूव कर देंगे। मेक श्योर कीजिएगा फ्लेम जो है वो लो ही रहे, अदरवाइज़ ये जल जाएगा। और अब हम इसे कवर कर देंगे और 10 से 15 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। दस मिनट हो चुके हुए हैं और टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और उनका जो छिलका है वो भी सॉफ्ट हो चुका हुआ है। टमाटर की स्किन को रिमूव कर देंगे और आप लोग किसी भी तरह इसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे टमाटर की स्किन बहुत सॉफ्ट हो चुकी है और बहुत इजीली आपके चिमटे में भी आ जाएगी। कुछ लोग इसे स्किन के साथ ही कुक कर लेते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली स्किन उतार दी हुई है। और अब हम इसे भून लेंगे गोश्त को और टमाटर को। यहाँ पे टमाटर की थोड़ी सी ग्रेवी भी बन चुकी है और बाकी टमाटर अभी पकने वाले रहते हैं इसमें। 5 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे और उसके बाद इसे चेक करेंगे।
5 मिनट के बाद टमाटर जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुके हुए हैं, लेकिन अभी भी हम इसे कवर करेंगे और मज़ीद इसे 5 मिनट के लिए और कुक करेंगे। गरम मसाला ऐड किया है इसमें, 1/2 teaspoon गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला ऐड करने के बाद इसमें साबुत हरी मिर्ची ऐड की है मैंने। हरी मिर्ची ऐड करने के बाद मिक्स कर देंगे और इसे 5 से 6 मिनट के लिए भून लेंगे कवर किए बगैर। और गोश्त को भी चेक कर लेंगे कि अच्छे से कुक हो चुका हुआ है। और अब इसको हम दम पे रख देंगे 5 मिनट के लिए। इसके बाद ये कम्प्लीटली रेडी हो जाएगी शनवारी। 5 मिनट हो चुके हुए हैं और शनवारी भी अच्छे से कुक हो चुकी हुई है, उसकी ग्रेवी भी अच्छे से बन चुकी हुई है। गोश्त अगर बॉयल है तो शनवारी बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, मुझे 20 मिनट लगे थे इसे बनाने में। बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत अलग सा टेस्ट आता है शनवारी का। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप लोग भी इजी सी इस शनवारी की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।